आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे 5G डिप्लॉयमेंट ऑप्शंस के बारे में। सो अभी जो भी अब हम लोग माइग्रेट कर रहे हैं 4G टू 5G, तो 5G का भी डिप्लॉयमेंट ऑप्शन क्या है कि ऑपरेटर अपने अनुसार अगर उसका ऑलरेडी 4G का इंफ्रास्ट्रक्चर है और मूव करता है 5G की तरफ में, या कोई न्यू ऑपरेटर आना चाहता है डायरेक्ट 5G में, तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट 5G डिप्लॉयमेंट ऑप्शंस यहाँ पे बताए गए हैं। तो आज के टॉपिक में हम लोग उसी के बारे में बात करते हैं कि उसका डिप्लॉयमेंट ऑप्शन कौन कौन सा है। ये इंटरव्यू में भी आपसे पूछे जाते हैं कि अभी जो इम्पोर्टेंट कौन से डिप्लॉयमेंट ऑप्शन आप यूज़ कर रहे हो, अगर 5G का कौन सा है, SA NSA है, या कौन सा ऑप्शन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 6 यूज़ करते हैं या नहीं, ऑप्शन 6 है या नहीं है, तो ये कुछ कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं प्रोटोकॉल इंटरव्यू में। तो चलिए हम लोग उसके बारे में थोड़ा वन बाई वन थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आर्किटेक्चर हम लोग ने अगर उसका डिप्लॉयमेंट ऑप्शन हम लोग देखते हैं, आर्किटेक्चर देखेंगे, वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक आपको NSA और SA आर्किटेक्चर, आपको ये तो मालूम होना चाहिए। तो SA की बात करें तो SA में देखिए ऑप्शन 1 जो होता है, SA मीन्स स्टैंड अलोन, मीन्स आपका EPC LTE और UV जो है, इसमें आपका LTE का प्योर आपको एक नेटवर्क है, 5G का एक स्टैंड अलोन नेटवर्क होगा। NSA मीन्स आपको 4G 5G दोनों आपको मिलेगा। तो इसके लिए वन बाई वन डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हम लोग आर्किटेक्चर को डिवाइड किए यहाँ पे। तो यहाँ ऑप्शन 1 देख सकते हैं, यहाँ पे आर्किटेक्चर यहाँ पे जो दिया गया है, इसमें ऑप्शन 1 में क्या है, इसमें EPC है, कोर नेटवर्क आपका है, उसके बाद LTE का है, और उसके बाद G.नोड भी आपका है, E.नोड भी और G.नोड भी बोल सकते हैं, वो LTE है। इसमें स्टैंड अलोन ओनली फॉर LTE नेटवर्क है ये। इसमें देखेंगे ऑप्शन थर्ड में देखते हैं, तो ये ऑप्शन थर्ड में क्या है, NSA, इसमें 4G और 5G G.नोड E.नोड भी और G.नोड भी दोनों है, लेकिन इसका एक ऑप्शन जो है आपका कोर नेटवर्क जो है वो 4G से डायरेक्ट कनेक्ट है। इसमें देख सकते हैं नॉन स्टैंड NSA, ये भी NSA है, लेकिन इसका कोर नेटवर्क क्या है, 5G कोर नेटवर्क है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आपको आर्किटेक्चर यहाँ पे बनाता है। ऑप्शन 2 में देख सकते हैं कि ये भी स्टैंड अलोन है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये 5G इसका कोर नेटवर्क, इसे LTE कनेक्टेड नहीं है। ऑप्शन 5 में देख रहे हैं हम लोग कि क्या है, इसमें 5G कोर नेटवर्क है, लेकिन इसका LTE से कनेक्शन है, और रिलीज 15 इसको बोलते हैं। और ऑप्शन 7 जो है, इसमें आपका 5G E-Node भी है और LTE आपका E-Node भी है, और उसके बाद 5G इसका कोर नेटवर्क है, और इसमें डेटा आप देख सकते हैं डेटा कैसे फ्लो होगा, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन वन बाई वन करते हैं। तो ऑप्शन वन से हम लोग शुरू करते हैं। ये सभी सेम चीज़ जो मैंने बताया उसके वहाँ पे डिस्कशन किया गया है। तो ऑप्शन 1 के बारे में हम लोग बात करते हैं कि ऑप्शन 1 होता क्या है। तो ऑप्शन 1 में क्या करते हैं, ये 4G है, प्योर 4G। आप अगर बात करते हैं तो ये डिप्लॉयमेंट 2020 में ये डिप्लॉयमेंट हुआ था, करंट डिप्लॉयमेंट 2020 का है। ये SA आर्किटेक्चर है, मीन स्टैंड अलोन है, ये ओनली फॉर 4G है, और इसका EPC जो है वो भी 4G है, और ओल्ड ऑप्शन वाइज गुड ओल्ड 4G विथ E.नोड भी कनेक्टेड टू EPC एंड इट इज देयर इज ए मोर रेफरेंस और स्टार्टिंग पॉइंट। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट ऑप्शन 1 था। इसमें क्या है, यू हैव LTE प्लस EPC, द डिप्लॉयमेंट इज कॉल्ड एन EPC कनेक्टेड लेगेसी, ये इसको ये बोलते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं आपसे इंटरव्यू में, लेकिन ऑप्शंस 1 में क्या होता है तो इसके बारे में मालूम होना चाहिए कि ऑप्शन 1 जो है LTE नेटवर्क के लिए हम लोगों ने यूज़ किया, और SA डिप्लॉयमेंट ये ऑप्शन है, और इसमें क्या है कि 4G डिवाइड टू एक्सेस है, 4G ओनली नेटवर्क। इसमें क्या होता है, ओनली 4G नेटवर्क को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये ऑप्शन 1 था मेरा। तब हम लोग ने क्या किया, ऑप्शन 2 में, जैसे ही ऑप्शन 2 में जाते हैं तो ये क्या ऑप्शन 2 हो जाता है, सेम आप देखते हैं यहाँ पे जो था ऑप्शन 1 में मेरा जो था E.नोड भी था LTE का था, और EPC भी मेरा 4G का ही था। जब इसमें हम बात करते हैं, यहाँ पे जब आते हैं, तो इसमें क्या कि मेरा ये स्टैंडर्ड लाइन ये भी आर्किटेक्चर है, लेकिन इसमें 5G NR आपका E.नोड भी हो गया और G.नोड भी में हो गया, और 5G का कोर नेटवर्क यहाँ पे हो गया, ये भी स्टैंडर्ड नेटवर्क का, ये 5G वाली नेटवर्क के लिए। अगर आप Jio की बात करें तो Jio के पास क्या है, NSA, मीन्स उसका 4G भी है, और अगर डिप्लॉयमेंट करता है तो 5G डिप्लॉयमेंट भी करना पड़ेगा उसको। तो अब वो डिप्लॉयमेंट ऑप्शन है, वो किस तरह से डिप्लॉयमेंट, अगर वो इनका ये बात करें तो अभी
जियो के पास ये नेटवर्क है, आपका LTE EPC है और ये UV कनेक्ट होता है, तो इस तरह से आपकी उनकी कनेक्टिविटी होती है। और ये 5G अगर डिप्लॉयमेंट करना चाहते हैं तो ये इस तरह से ऑप्शन डिप्लॉयमेंट करेंगे या नहीं करेंगे, या एयरटेल हो या वोडाफोन हो, तो मीन्स इसमें क्या हो जाएगा, उनको डिफरेंट डिफरेंट हार्डवेयर की जरूरत पड़ जाएगी। 5G जी नोट भी है, उनको डिफरेंट चाहिए, 5G कोर नेटवर्क उनको अलग बनाना पड़ेगा। तो वो क्या होता है, वो डिपेंड करता है ऑपरेटर पे कौन सा ऑप्शन लेके उसको अपने 5G नेटवर्क को डिप्लॉय करेंगे नेटवर्क में। ओके, तो ये होता है 4G, तो ऑलरेडी आपने यहाँ पे देखा है। यहाँ पे ये हो गया 5G का आर्किटेक्चर, कोर 5G आपको प्योर 5G है जो ऑलरेडी 4G के तरह से LTE के लिए था। अब हम ऑप्शन 3 के बात करते हैं। ये ऑप्शन 3 है, ये ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो NSA डिप्लॉयमेंट है, इसमें क्या था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था और सभी ऑपरेटर, मैक्सिमम ऑपरेटर, ये पॉपुलर भी है सभी ऑपरेटर के बीच में, क्योंकि ऑलरेडी वो 4G पे वर्क कर रहे हैं और 4G पे वर्क करने उनको क्या करना है, बस एक 5G का नेटवर्क इम्प्लीमेंट करना है और वो 5G का नेटवर्क एक ये करना है, एक डिप्लॉयमेंट ऑप्शन बनाना है और उसमें ये नेटवर्क को लॉन्च कर देते हैं। तो ये क्या, ये इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस दिए गए 3G के, ये बहुत पॉपुलर है। इसमें क्या है, ट्रैफिक इज स्प्लिट अक्रॉस 4G एंड 5G एट द ईनोड भी, यहाँ पे ईनोड भी में भी देख रहे हैं कि इसमें आपका ट्रैफिक जो होता है वो उसमें टूट जाता है, मीन्स स्प्लिट हो जाता है। एक हो जाता है कि मान लिया कि यहाँ से जी नोड बी से हम फर्स्ट ऑप्शन 3A को देखते हैं हमने। इसमें क्या कि यूजर प्रिंट डेटा इज सेंड टू द 5G NR वाया द LTE एरन। अब 5G जी नोड बी में कोई डेटा, कोई यूजर्स कनेक्ट है और उसको कोई डेटा सेंड करना है तो डायरेक्टली वो EPC को नहीं भेज सकता। इसमें ऑप्शन 3 में वो क्या करता है, वो LTE का ईनोड भी लेगा, LTE रैन को यूज़ करेगा और उसके थ्रू वो अपने डेटा को भेजेगा वहाँ से। ओके, अब ऑप्शन 3A में हम बात करते हैं। ऑप्शन 3A में क्या हो गया, द यूज़र प्लेन डेटा कम्स टू द 5G डायरेक्टली फ्रॉम द UPC। इसमें क्या कि यूज़र का डेटा जो था वो 5G को डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, बट कंट्रोल प्लेन जो था, कंट्रोल का प्लेन जो डेटा था वो उसको जी नोट बी के थ्रू यहाँ पे जाता था। ओके, अब इसमें क्या हो गया, अब ऑप्शन 3X में क्या हो गया, इससे कॉम्बिनेशन ऑफ 3A, ये दोनों को कंबाइंड, ऑप्शन 3 और 3A को दोनों को कंबाइंड करके यहाँ से आपको डेटा और वॉइस दोनों जा सकता है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन में आप देख रहे होंगे, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो भी आ रहा है, अगर डेटा आ रहा है, वॉइस आ रहा है, तो वो सभी क्या होगा, ईनोड भी LTE रैन के थ्रू आपको जी नोट EPC को कनेक्ट होगा। ओके, इसमें इसमें क्या होता है, 5G इनेबल्ड EPC जो है इसमें 5G इनेबल्ड है, लेकिन आपका जो डेटा यूज़र प्लेन का डेटा जो है सेंट वाया द LTE रैन, आपका जो भी ऑप्शन 3 में भी आप देख सकते हैं, कंट्रोल प्लेन और यूज़र प्लेन X2U और X2C वो किसके थ्रू ट्रांसफ़र हो रहा है, वो जी नोट बी से अगर डेटा कोई यूज़र्स कनेक्ट होता है तो वहाँ से क्या होता है, ई नोट बी को भेजेगा और ई नोट बी LTE रैन यूज़ करके और वो 5G EPC को कनेक्ट करेगा, EPC में वो जाएगा। अब दूसरा क्या हो जाता है कि दूसरा ऑप्शन 3A में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो था, जो डेटा X2 यूज़र और कंट्रोल प्लेन जो ई नोट बी के थ्रू जा रहा था, अब क्या हो गया कि ये जी नोट बी जो है डायरेक्टली कनेक्ट हो गया EPC से और वो जो यूज़र का डेटा जो था अब जी नोट बी से EPC से डायरेक्ट होगी। लेकिन अगर वॉइस की बात करें तो वॉइस अभी भी उसमें जी नोट बी और EPC से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो क्या किया उन्होंने, जी नोट बी से अगेन डेटा ई नोट बी को भेजेगा, ई नोट बी क्या करेगा, उसको LTE रैन को भेजेगा और वो उसको कनेक्ट करेगा वॉइस के लिए। इसमें तीसरी में बात करें, ऑप्शन 3X में क्या हो गया कि यूज़र क्या करे, यूज़र अगर चाहे वॉइस के लिए, सॉरी इसमें क्या करे, यूज़र क्या होता है, अगर कंट्रोल अगर हैंडओवर होता है तो इस कंडीशन में क्या होता है, हैंडओवर के कंडीशन में भी या पिंग पोंग हैंडओवर हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जिसमें लैच होगा, अगर जी नोट बी में लैच होगा तो यूज़र यहाँ से डेटा को भेज सकता है, अगर ई नोट बी में जाता है तो यहाँ कंट्रोल प्लेन है, यूज़र प्लेन दोनों यहाँ से इसमें कनेक्टेड हो गया और इसका एक और इसमें जी नोट बी जो है EPC से भी कनेक्ट हो गया यहाँ पर। तो यूज़र्स डेटा जैसे ही यहाँ पे आपको, अगर यूज़र डेटा कहीं से आपको भेजना पड़े,
अगर वो जी नोट बी के थ्रू जा रहा है तो जी नोट बी से, अगर हैंडओवर हो रहा है तो अगर ई नोट बी से थ्रू होके चला जाएगा, जी नोट बी से डायरेक्ट अगर डेटा भेजना चाहता है तो वहाँ पर भी ईपीसी को कनेक्ट होता है। इस कंडीशन में जब पिंग पोंग हैंड ओवर होगा तो वहाँ पे कॉल ड्रॉप होने का चांसेस, या आप बोल सकते हैं डेटा फ्लक्चुएशन जो होता था उसमें कनेक्टिविटी में जो भी प्रॉब्लम होती होगी वो सभी क्लियर हो जाता था। तो ये कम्बाइंड ऑप्शन 3x जो है कम्बिनेशन ऑफ ऑप्शन 3 एंड 3A, और ये पॉपुलर है, बहुत ही पॉपुलर है। जितने ऑपरेटर्स हैं वो मोस्टली दे आर गोइंग टू यूज दिस ऑप्शंस। ओके, तो इसके बारे में आपसे बहुत ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑप्शन 3, 3A और 3X में क्या डिफरेंस है और उसको डेटा कैसे फ्लो होता है, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना जरूर होगा। आप जरूर इसको पढ़ लीजिएगा इस ऑप्शंस के बारे में, ऑप्शन 3 के बारे में। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग ने बात की ऑप्शन 1, 2, ऑप्शन 3 के बारे में, 3 डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, ऑप्शन 3, 3A एंड 3X, ये क्लियर हो गया आपको। अब हम लोग बात करते हैं ऑप्शन 4 के बारे में। ऑप्शन 4 में क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन 4 में कि यहाँ पे जो था आपका, पिछले स्लाइड्स में आप देखेंगे तो उसमें था कि आपका कोर नेटवर्क, अगर स्टैंड अलोन में नेटवर्क में बात करें, स्टैंड अलोन में उसमें क्या था, 5G कोर नेटवर्क था और उसमें LTE की कनेक्टिविटी नहीं थी। ओके, तो इसमें क्या कर दिया, हियर इसमें बोथ ई नोट बी और जी नोट बी, जो LTE और 5G NR मीन्स ई नोट बी और जी नोट बी, इसको कनेक्ट कर दिया गया 5G कोर नेटवर्क से, और 5G विल हैंडल द कंट्रोल पर सिग्नल एंड सेंड इट टू द 5GC। आपका अब जी नोट बी जो था 5G NR जो है वो क्या करेगा, वो हैंडल कर लेगा कंट्रोल प्लेन सिग्नल को और 5G कोर नेटवर्क को भेजेगा। ओके, इसमें भी क्या किया, उसमें भी डिवाइड कर दिया गया, इसमें दो पार्ट्स में इसमें इसको भी डिवाइड कर दिया गया, एक हो गया 4 और दूसरा हो गया 4A। तो जो अभी अब मैंने बताया कि आपको 4A 4 के बारे में, तो यूजर प्लेन ट्रैफिक फ्रॉम ई नोट बी रूट थ्रू जी नोट बी एंड गो टू द 5GC 5G कोर नेटवर्क। आपका जो भी यूजर का ट्रैफिक, प्लेन ट्रैफिक, यूजर प्लेन ट्रैफिक जो होगा वो 5G कोर नेटवर्क से होते हुए 5G जी नोट बी से होते हुए 5G कोर नेटवर्क को जाएगा। लेकिन इसमें अगर 4A के बारे में बात करें, ऑप्शन 4A में क्या हो जाता है कि यहाँ पे देख सकते हैं राइट साइड ऑप्शन में, इसमें द यूजर प्लेन ट्रैफिक स्प्लिट विल बी मेड एट 5GC एंड सेंट डायरेक्टली टू द ई नोट बी एंड जी नोट बी। यहाँ यूजर प्लेन ट्रैफिक क्या है, वो डिवाइड हो गया 5G कोर जी नेटवर्क विल बी मेड एट 5G और वो डायरेक्टली क्या करे, ई नोट बी और जी नोट बी को सेंड करेगा यूजर प्लेन ट्रैफिक को, वो डिवाइड करके। तो ये आपको 5G 3 में भी आपको मालूम है, थ्री ऑप्शन 3 में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, 3, 3A एंड 3X, और इसमें डिवाइड हो गया इसमें दो ऑप्शन में, ऑप्शन ए 4 एंड ऑप्शन 4A। तो ये आप देखेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं ईपीसी में, ये अगर देखेंगे यहाँ पे तो जी नोट बी ई नोट बी यहाँ पे सेम था इसमें, और ये 5G EPC से कनेक्टेड था, 5G enabled EPC था, ई नोट बी से कनेक्टेड था, यहाँ भी ई नोट बी से कनेक्टेड था, और यहाँ पे जाकर यहाँ का कोर नेटवर्क जो, यहाँ पे आपका कोर नेटवर्क जो था वो 4G था ऑप्शन 3 में, और इसमें बात करें तो आपका कोर नेटवर्क जो हो रहा है वो 5G का हो जा रहा है कोर नेटवर्क। ये दोनों डिफरेंस है, कोर नेटवर्क आपका क्या है यहाँ पे 5G का कोर नेटवर्क है, वहाँ पे किसका कोर नेटवर्क था, वहाँ पे कोर नेटवर्क आपका LTE का कोर नेटवर्क था। ओके, ये हो जाता ऑप्शन 4। ऑप्शन 5 की बात करें तो इसमें ऑप्शन 5 देख सकते हैं, ये भी एक स्टैंड अलोन नेटवर्क है। ओके, डिप्लॉयमेंट ई नोट बी इज कनेक्टेड टू द 5G कोर नेटवर्क, उसके 5G कोर नेटवर्क से डायरेक्टली, इसमें कोई जी नोट बी का कोई रोल नहीं है, वो LTE का नेटवर्क है, आपको LTE का ई नोट बी और 5G का कोर नेटवर्क है, और इसको डिप्लॉयमेंट कर दिया, उसको ऐसे डिप्लॉयमेंट कर दिया। ओके, तो ये सभी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, अगर आप पॉपुलर की बात करें तो ये ऑप्शन 4 एंड 4 3 एंड 3 4 जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ऑपरेटर साइड में। अब हम लोग बात करते हैं ऑप्शन 6 है, जो हम लोगों ने यहाँ ऑप्शन 6 के बारे में नहीं बताया, क्योंकि ऑप्शन 6 जो है वो कोई किसी तरह का ऑप्शन अभी नहीं यूज़ किया गया है, ना किसी का डिप्लॉयमेंट हुआ है। ऑप्शन 7 जो है वो डिप्लॉयमेंट किया गया है, उसके बारे में हम लोगों ने नहीं यहाँ पर लिया, बट मोस्टली ये ऑप्शन 7 जो है मोस्टली वो
ऑप्शन फोर की तरह ही काम करता है, लिटिल बिट ईपीसी में और 5G कोर नेटवर्क में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन पॉपुलर हम बात करें कि ऑप्शन फोर और ऑप्शन थ्री के बारे में आप पढ़ लीजिए, इंटरव्यू के समय में आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा, आपसे यही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ऑप्शन थ्री और फोर से। ओके, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मैं आपको और सारी वीडियो 5G से रिलेटेड आपको प्रोटोकॉल्स में जो अभी इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं वो आपको बताते चलूँगा। ओके, अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई कोई डाउट है तो प्लीज़ शेयर योर नंबर या ईमेल आईडी, मैं आपको जरूर जरूर बात करूँगा। ओके, थैंक यू सो मच।